नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है जिसका नाम आप बहुत बार शायद आपने देखे होंगे, सुने होंगे, जिसका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन कॉरपोरेशन, सॉरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक गवर्नमेंट ओनरशिप कंपनी है। मतलब इसका प्रोमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। तो इसका प्रोमोटर गवर्नमेंट है, तो इसी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है इस कंपनी में क्या फ्यूचर में कुछ होने वाला है? क्या कंपनी मतलब फ्यूचर में गवर्नमेंट कंपनी जिस तरीके से काम करते उसी तरीके से ही काम करने वाला है? तो कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या है, कंपनी ने क्या गुड न्यूज़ दिया है, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और हाँ अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बटन आपको दिखेगा, नीचे भी आपको बटन दिखेगा, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। आप इंट्राडे ट्रेडर है, आप स्विंग ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, और स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी का जो खुशखबर यहाँ पे आया है तो वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। कंपनी का जो कॉरपोरेट एक्शन है आप देखेंगे तो 15 सितंबर इसी दिन में आपको कंपनी में क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है? करीबन 2.75 रुपीज का डिविडेंड देने वाले है कंपनी। तो डिविडेंड अनाउंसमेंट कंपनी कर चुके हैं। देखिए इस तरीके से कंपनी साल भर में एक बार दो बार करके डिविडेंड देते रहते हैं। पिछली बार कंपनी ने डिविडेंड दिया 29 मार्च में, और वो भी सिर्फ के सिर्फ 75 पचहत्तर पैसे का डिविडेंड दिया था, और 70.75 मतलब 75 पैसे का डिविडेंड दिया था। और 16 सितंबर पिछले सालों में कंपनी डिविडेंड दिया था करीबन करीबन 1 रुपया 1 रुपये 50 पैसे के आसपास। उसके बाद कंपनी फिर से देखिए कंपनी दो टाइम सिलेक्ट कर लिया, एक एक है मार्च में और दूसरा है सितंबर में। तो इस दोनों टाइम में कंपनी क्या कर रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं साल भर में। तो क्या अभी डिविडेंड के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्या इस कंपनी फ्यूचर में कुछ करने वाला है? तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी के बारे में जानने से पहले कंपनी के एक बार वेबसाइट विजिट कर लेना। तो पहले बता चुका हूँ मैं यहाँ पे जो एक्चुअली हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो देखा जाए तो अर्बन एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर काम करते हैं, घर बनाने के लिए काम करते हैं। तो ये मतलब काम करते हैं, मतलब ये जितने सारे लोग जितने सारे कंपनी इस तरीके से काम करते हैं उसको आप फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं यही कंपनी। तो एक फाइनेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अगर अगर आपको लोन की जरूरत है, मतलब कोई भी अर्बन एरिया में गवर्नमेंट लोन की जरूरत है, कोई भी बिल्डिंग्स बनाने के लिए लोन की जरूरत है, तो इसी कंपनी वो लोन को प्रोवाइड करते हैं। अगर इसका कंपटीटर देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी एक्चुअली फाइनेंस इंडस्ट्रीज में बिलोंग करते हैं। देखिए हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटी इन द कंट्री। मतलब फाइनेंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं, और इसका देखिए यील्ड है, मतलब लोन का जो यील्ड है तो 9.42 है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग है 7.5 है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 3.1 है, और ग्रॉस एनपीए है 5%। मतलब कंपनी एनपीए में डूबे हुए है। मतलब कंपनी ने मार्केट में लोन तो दे दिया मगर वो लोन उठा नहीं पा रहा है। उठा कहाँ से पाएंगे, गवर्नमेंट कंपनी है ना, तो गवर्नमेंट का काम है लोन बांटना, मतलब पैसा बांटना, पैसा कमाना नहीं। हाँ कमा तो वो अलग जगह से हो रहा है, मगर कमाई तो वो अलग जगह से हो रहा है, मतलब इस तरीके से कंपनी में नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे इसका ग्रॉस जो एनपीए है वो करीबन करीबन 5%। तो इसका मतलब गवर्नमेंट क्या काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रहा है, मगर गवर्नमेंट का सारे के सारे जितने सारे कंपनीज है उसका फोकस है सर्विसेज देना। हर कोई मतलब इंडियन को सर्विसेज देना ही उसका काम है, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना इसका वो फोकस नहीं रखते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन का बढ़ाना का फोकस रखते हैं प्राइवेट कंपनी, इसीलिए इसका जितने सारे कंपटीटर है, जैसे देखिए एचडीएफसी वो इंडिया के सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे फाइनेंस कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसके बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है,
उसके बाद देखिए आभास फाइनेंस है, उसके बाद अपटस फाइनेंस है, उसके बाद कैनफिन होम है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे देख HUDCO, मतलब जो आज के जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसी के बारे में यहाँ पे अगर कंपटीटर के हिसाब से कंपनी का जो डिटेल्स है यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो चलो दूसरे कंपनी से थोड़ा सा कम है, और कंपनी का सेल्स मार्केट कैप टू सेल्स देखा जाए तो ए भी वैल्यूएशन के हिसाब से है, कंपनी का PB/PE रेशियो बहुत लो में है, कंपनी का सेल्स क्वार्टर का जो सेल्स का जो परसेंटेज है वो नेगेटिव में है, प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो आप देखेंगे वो भी बहुत वीक है। तो कंपनी का खासियत क्या है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। कंपनी तो इनकम तो कर रहा है करीबन 1700 करोड़ का, कंपनी का हाथ में कैश नेगेटिव में है, तो कोई बात नहीं कंपनी खुद के बिजनेस के लिए ऊपर पैसा वो कैश को निवेश करके रखा है तो इसलिए नेगेटिव दिखा रहा है, ऐसे कोई चिंता करने का बात नहीं। कंपनी देखिए 8400 करोड़ का कंपनी है और कंपनी करीबन करीबन 60 करोड़ से भी ज़्यादा कर्जा लेके बैठे हुए हैं, इसका मतलब सोचिए जो कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा लेके रखा है तो उसका प्रॉफिट कितना भी हो, मतलब उसका मार्जिन कितना भी वो सेल्स कर पाए उसका मार्जिन वो घट ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का जो कर्जा है करीबन 4.25%। आप कहेंगे सर फाइनेंस कंपनी है उसको तो कर्जा लेना ही पड़ेगा, हाँ बिल्कुल आपके बात सही है, फिर भी इसको प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में हर साल में कंपनी का इनकम ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे हुए हैं, मगर कंपनी इतना ज़्यादा सॉरी इंटरेस्ट इतना ज़्यादा पे करना, एक्सपेंस देखिए बहुत कम, मैं पहले बता चुका फाइनेंस इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल का कॉस्ट नहीं होता तो इसलिए एक्सपेंस बहुत कम होता है। इसका सबसे ज़्यादा पैसा चला कहाँ से जा रहा है, कंपनी का इंटरेस्ट में, मतलब इतने ज़्यादा कर्जा लेके रखा है तो उसके हिसाब से कंपनी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इसीलिए कंपनी का हाथ में प्रॉफिट मार्जिन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ऐसे नहीं है कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कर रहा है, बिल्कुल हर साल में कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, कंपनी रिटर्न रेशियोज के हिसाब से कंपनी आपको नेगेटिव रिटर्न दिया, क्योंकि कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लगातार गिरते जा रहा है, कंपनी में अप मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करो तो देखिए FIS इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहते, मैं भी इसके ऊपर भरोसा नहीं करके रखा हूँ, ऐसे नहीं आप सोच ऐसे मत समझ लेना कि FIS ने निवेश नहीं किया तो मैंने नहीं निवेश किया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस तरीके से कंपनी उतना खास नहीं लगता है क्योंकि इस कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं जरूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं चार चार बार सोच लेना, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब इसका हाई होता करीबन 105 के आसपास, उसके बाद कंपनी लगातार लगातार गिरते गए और यहाँ पे तो कोविड के सिचुएशन भी आ गया था और भी गिरते गए और कंपनी लो कर गए थे करीबन करीबन 17 रुपीज़ के आसपास। तो 105 से 17 रुपीज़ का जर्नी जो था ना वो लोगों का होश उड़ा दिया, रात का नींद उड़ा दिया, जितने सारे लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा निवेश इस तरीके से कंपनी के ऊपर करके रखे थे। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी में एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके रखा हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंट बन रहा है, यहाँ पे भी फिर से एक रेजिस्टेंट यहाँ पे बना रहा है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर क्या ब्रेकआउट होने के बाद निवेश करना चाहिए, तो मैं जरूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी को आप अवॉइड करिए, इस तरीके से कंपनी आपको प्रॉफिट रेशियो उतना ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर आपको निवेश करना ही है, अगर आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को निवेश करना ही है तो आपको मैं जरूर कहूँगा, मान के चलिए आपने यहाँ पे सोच लिया कि चलो मुझे इस कंपनी के ऊपर 20,000 रुपया लगाना है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चलो 10,000 रुपया लगाना है, तो आप इस 10,000 रुपया इसमें ना लगाकर आपको मैं जरूर कहूँगा आप इसका कंपटीटर HDFC जो इंडिया के नंबर वन कंपनी है इसमें लगा दीजिए, यहाँ पे आपको 10,000 रुपया में करीबन करीबन 4 शेयर मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर 4 शेयर में मुझे क्या होगा, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर मान के चलिए आपको मैं 1 लाख रुपया दे दिया और आपको मैं बता दिया चलो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदारी करके लेके आइए, तो आप क्या खरीदारी करके लेके आएंगे, जो जो प्राइस जिस प्रोडक्ट का सस्ते प्राइस में है, मान के चलिए दो दोस्त को मैं पैसा दिया, एक को मैं दोनों के ही 1-1 लाख रुपया दिया, एक लोग एक एक ने लेके आया गोल्ड और एक ने लेके आया सिल्वर, सॉरी मतलब मान के चलिए चलो सिल्वर नहीं, एक ने लेके आया गोल्ड और दूसरे ने लेके आया स्टील, तो स्टील का कीमत क्या अच्छा होगा, आप गोल्ड कितना मिलेगा, इतना छोटा सा आपको गोल्ड मिलेगा और स्टील आपको बहुत ज़्यादा स्टील आपको मिलेगा, बहुत मतलब अमाउंट का स्टील आपको मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर कौन सा ठीक है, आपका तो अभी आपको लगेगा कि चलो गोल्ड गोल्ड ही ठीक ठाक है, तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि सस्ते दामों में कोई भी शेयर मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कंपनी के ऊपर पूरा पैसा लगा दीजिए, अगर आपको बड़े कंपनी
और ज्यादा दामों में मिला है तो फिर भी उस कंपनी के ऊपर निवेश करना। हाँ, पहले देखना है कंपनी का वैल्यूएशन सही है कि नहीं है, उसके बाद निवेश करना। ऐसे में बिल्कुल भी आपको नहीं बता रहा कि चलो कल जाकर HDFC में निवेश कर देना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उसका वैल्यूएशन आपको देखना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।